फिर रीजन बोला हुआ है ऑफ रेड 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 लाइट लाइट इज मोर देन अदर कंपोनेंट कलर्स एंड हेंस डेविएट्स लीस्ट तो यहाँ पर हम लोग पहले रीजन से सॉल्व करते हैं देखो जो वेव लेंथ होती है रेड लाइट की वो बाकी कलर्स के कंपेयर में जो कि वाइट लाइट में प्रेजेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा होती है वाइट लाइट में कौन कौन से कलर प्रेजेंट रहते हैं प्रेजेंट रहता है वॉयलेट इंडिगो ब्लू येलो ऑरेंज और रेड यानी कि रेड की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेड लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के तो अगर वेवलेंथ जो है वो रेड लाइट की सबसे ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा सबसे कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या होगा लीस्ट होगा सबसे कम होगा और इसका वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट लाइट वो क्या होगा ज़्यादा होगा तो जो हम प्रिज्म बनाते हैं प्रिज्म में ये क्या लिखते हैं हम लोग ए यानी कि अपेक्स एंगल और यहाँ से जो लाइट आती है वो क्या होती है यहाँ पर क्या यह होती है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होती है यानी कि डिस्पर्जन होता है लाइट का और यहाँ पर सात कलर हमको नजर आते हैं वायलेट इंडिगो ब्लू येलो ऑरेंज और रेड और लाइट तो यहाँ पर हम लोग डेविएशन कैसे देखते हैं डेविएशन यहाँ से लेकर के जो रेफरेंस रे होती है उससे पर्टिकुलर रे में हम लोग एंगल देखते हैं कि कितने एंगल से कौन सी रे डेविएट हुई तो डेविएशन का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपेक्स एंगल इंटू म्यू माइनस वन ठीक है तो म्यू पे म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका वेव लेंथ सॉरी डेविएशन तो जो हमारा म्यू है रेड लाइट का वो क्या है सबसे कम है तो जो डेविएशन होगा रेड लाइट का वो भी क्या होगा सबसे कम होगा और जो डेविएशन होगा वायलेट लाइट का वो क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा अब इसने रीजन में क्या बोला हुआ है वेवलेंथ जो लाइट रेड लाइट की है वो सबसे ज़्यादा है और रेड लाइट लीस्ट डेविएट कर रही है तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होता है करेक्ट होता है क्योंकि लीस्ट डेविएट यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये क्या है ट्रू है असर्शन में बोला है वाइट लाइट ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म स्प्लिट इन टू इट्स कंपोनेंट कलर्स इतना ठीक है एज सच दैट द रेड लाइट इमरजेज नियरेस्ट टू द बेस ऑफ द प्रिज्म अब देखो यहाँ से जो रेड लाइट है यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि जो बेस से सबसे दूर होगी क्योंकि रेड लाइट में सबसे कम डेविएशन हो रहा है और डेविएशन सबसे ज़्यादा किस में होगा वाइलेट लाइट में तो बेस के पास सबसे ज़्यादा प्रेजेंट कौन रहेगा वाइलेट लाइट प्रेजेंट रहेगा तो इसने बोला हुआ है कि रेड लाइट प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फॉल्स हमारा so, असर्शन जो होगा वो फॉल्स होगा रीजन जो होगा वो ट्रू होगा ऑप्शन नंबर फोर थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें WhatsApp डाउट नेटा या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर